एनटीए वालों ने फिर से रिजल्ट पब्लिश करी और कोर्ट की लैंग्वेज में स्टेटस को कहते हैं। स्टेटस को का मतलब होते जो चीज़ें जैसी थी वैसी रह गई। इस बार फिर से जो कट ऑफ आई, अभी एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जो कट ऑफ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है जिसकी, वो शायद कुछ इस तरीके से है कि जो नेशनल कट ऑफ होगी वो 555 प्लस माइनस 3 मार्क्स लगा लो, इतनी हो सकती है जनरल कैटेगरी। तो कुछ स्टेट्स है जैसे आसाम, वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम होगी। कुछ स्टेट्स है जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, यहाँ कट ऑफ इससे भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये तो कट ऑफ का मैटर है। लास्ट टाइम भी कैसा था, ऐसा ही था। लास्ट टाइम भी मतलब जिस रिजल्ट को इन्होंने दोबारा पब्लिश करा वो भी पहले भी कुछ ऐसा ही था। आज भी वो क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए। कौन से? कि भाई अगर सब कुछ सही था तो 615 से 650 ये जो क्वांटम जंप है इसका रीजन, और अगर एनटीए इतनी कैपेबल है, मान लेते हैं कैपेबल है, तो वो पेपर सेट करती है और वहाँ पे 6 out of 720 मिनिमम मार्क्स है 650 और 655, तो इट पुट्स ए वेरी सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन देयर एफिशिएंसी। एंड इफ इट इज़ नॉट द एफिशिएंसी, इफ इट हैज नथिंग टू डू विद द एफिशिएंसी, देन इट हैज़ टू डू विद द इंटेंट इटसेल्फ। आप मतलब मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मजाक चल रहा, हाँ मजाक चल रहा है क्या कि आपने 720 नंबर लगाए के पेपर लिए, 650 नंबर आ रहे लोगों के जिनका सिलेक्शन होना है। तो मतलब ये एक सवाल जनरेट करता है कि अगर यही सब कुछ करना है देन व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ एनटीए, टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद क्यों करे जा रहे हैं, ऐसी एजेंसी की ज़रूरत क्या है। अब गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये अगले साल एनटीए को डिसमेंटल करती है, नहीं करती है, अगले साल आईआईटी के पेटेंट पे मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं नहीं होते, ऑनलाइन होती है नहीं होती है, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, इसका कुछ आइडिया नहीं। तो एज ए स्टूडेंट तुम्हारे पास क्या ऑप्शन हैं? तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, ये दो ऑप्शन हैं तुम्हारे पास। बहुत अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि कई लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें सुना नहीं गया, जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो प्रिवेल नहीं हुई है ना। तो अपना टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना टाइम है ना। तो हमें अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना है। मान लो यही सारी चीज़ें अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होती, यही सारी चीज़ें, यही सारे सर्कमस्टांसेस रहते हैं और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें फिर से स्टार्ट करनी है या तुम्हें छोड़ देना है। ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या तुम अगले साल, ये जो गैप है 650, क्या तुम 650 के उस पार अगले साल जा सकते हो। अगर जा सकते तो तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि नहीं अभी तुम कहीं पे 350 के आसपास कहीं फंस गए है ना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं 350 के आसपास कहीं पे फंस गए और यहाँ से 650 जाना यानी 300 मार्क्स, और तुमने पहले ही 2 या 3 ड्रॉप ले रखे, तो तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है तुम्हें करना चाहिए, घर वाले जो कहते हैं करना चाहिए, पैसे घर वालों ने लगाए हैं ना, तो जो घर वाले कहते वैसा तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी एक इनर वॉइस होगी वो जो तुम्हें कहती है करना चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें रीस्टार्ट करना चाहिए तो वन डे आई विल स्टार्ट, ऐसे अप्रोच नहीं चलेगा। वन डे आई विल स्टार्ट ऐसा नहीं चलेगा। टुडे इज द डे वन। देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के न्यूसेंस हो रहे वर्ल्ड में भी हर्ष, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके से चीज़ें करी जा रही है कि तुम्हारे पाँव बांध दिए और तुम्हें कहा दौड़ जाओ, या तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध दी और पूछा कुछ दिख रहे, मतलब कुछ अजीब सी चीज़ें तो ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा, हमें आदत हो गई है, हमारी जो जनरेशन है उसे ऐसी चीज़ों की आदत हो गई है। तुम ये अपने आप को विक्टिम की तरफ प्रोजेक्ट मत करना कि तुम पहली जनरेशन हो जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, ना ना ना, हर जनरेशन ने ऐसी चीज़ें देखी है, इससे भी हॉर्स। तो फिलहाल सिस्टम से लड़ना ये तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं, अभी है, अभी तो नहीं कर सकते ना। तो अभी हमें अपने काम पे ध्यान देना है, और हमारा काम क्या है, एक रिजल्ट लेकर आना जिससे घर वालों की जो इन्वेस्टमेंट है और घर वालों के जो इमोशंस है और जो तुम्हारा कैरियर है, सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा कैरियर, वो एक सही ट्रैक पर जा रहा हो, एक सही ट्रैक पर जा रहा हो। तो अगर तुम्हें रिस्टार्ट करनी है तो डे वन है। तुम्हें लगता है कि
डॉक्टर बने बिना जी नहीं सकते, आंसर जी सकते भाई। जो लोग रोड पे भिखारी बन के बैठते वो नहीं जीते क्या? जीते। और ये कहना डॉक्टर नहीं बना तो नहीं जी सकते, इंजीनियर नहीं बना तो नहीं जी सकते, क्रिकेटर नहीं बना तो नहीं जी सकते, सिंगर नहीं बना तो नहीं जी सकते, भाई ऐसे तो हम हर एक के बारे में कह सकते कि वो नहीं बना तो नहीं जी सकते। ज़िंदगी है तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ज़िंदगी ना हो तो हम इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, फैकल्टी, स्पोर्ट्समैन, सिंगर, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, समझे? ये सारी चीज़ें नहीं हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ और उस लाइफ से जुड़े हुए बाकी लोग। तो तुम्हें जो भी डिसाइड करना है ठंडे दिमाग से डिसाइड करना है, कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं आया तो तुम्हें ठंडे दिमाग से डिसाइड करना है कि बचे हुए समय में क्या तुम इस तरीके के कोई गैप को ब्रिज कर सकते। अगर कर सकते तो तुम्हें ज़रूर तैयारी करनी चाहिए, नहीं कर सकते तो तुम्हारी डिसीजन है, तुम्हारी लाइफ है।